लगभग 5 वर्ष। किस तरह का माहौल है जब आप यहाँ पे आते हैं और किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से पंडित की सेवा की जाती है? पूजनीय राधा माँ के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए विनती करता हूँ कि जिस तरीके से उनका भाव है ब्राह्मणों के प्रति, साधु संतों के प्रति, ऐसा भाव जो है पूरे मुंबई ही नहीं पूरे संसार में हो जाती हैं। और अपने भावों के द्वारा मानव के प्रति जो उनका उद्गार है, अपने तन मन धन की जो सेवा है समर्पित है, ऐसा हम लोगों की आह और आशीर्वाद हमेशा भगवान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि राधे माँ की ऐसी धार्मिक भावनाएँ हर जगह ही विराजमान हों और ऐसे धर्म का ध्वजा उनकी कृपा से हम लोग फहराते रहें। मैं वैसे जानती तो बहुत दिनों से हूँ, पर इनको माता जी को मिले मुझे कम से कम 1-2 महीने हो गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं कब देखूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सुनती थी, लेकिन जब मैं मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दो तीन बार मिल चुकी हूँ ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये बच्चे के स्कूल की फीस के लिए मैंने उनसे हेल्प मांगी थी, तो ये चेक उन्होंने दिया 2 महीने से। कैसा लगता है कि जब आप उनसे कभी कोई मदद मांगती है तो इसके घर से हाँ होती है ना होती है? हाँ होती है। अभी आप उन्होंने किस प्रकार की सेवा दी है? स्कूल के लिए, स्कूल हाँ बच्चे के लिए डोनेशन के लिए। प्रोग्राम होता तब जाते हैं। राधे माँ तो हमारी माता हैं, उनका तो भवन हमारी, मैं विष्णु परिवार मेरी माँ है, मैं उनके भवन में मैं आता हूँ, दर्शन करता हूँ, जो उनकी इच्छा होती श्रद्धा से मैं पावन करके चले जाते हैं। अच्छा लगता है। मैं अनुपम तिवारी, विपिन प्रयागराज से हो गया, पिछले 8 साल से जानते हैं। आज मैं यहाँ पर राधे माँ के दरबार में पहली बार आया और ऐसा देख कर आज ऐसा बहुत खुशी का माहौल, बड़ा अच्छा लगा हमको और बहुत ही सुंदर लगा राधे माँ।